ब्रेक के बाद आपका स्वागत है डॉक टॉक में. आज बात कर रहे हैं मोटापे यानी कि ओबेसिटी पर, और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं होम्योपैथी से डॉक्टर आभा गुप्ता. डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका. डॉक्टर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बढ़ते हुए वजन की वजह से बॉडी के किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है. देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब वजन बढ़ता है जी, हमारा बॉडी जो होता है एक पर्टिकुलर वेट के लिए बना हुआ होता है, जो बोन्स और ये जॉइंट्स होते हैं. लेकिन जैसे वजन बढ़ने लगता है तो सबसे पहले हमारे जॉइंट्स में वियर एंड टेयर होने लगता है. तो जो हमारे घुटने हैं वो एंकल जॉइंट्स हैं, इन पे बहुत जल्दी असर आने लगता है. और चूंकि बॉडी को बहुत ज्यादा एक बॉडी को कैरी करना होता है तो ब्लड सर्कुलेशन और इनपे, तो धीरे धीरे हार्ट पे इनपे इफेक्ट आने लग जाता है. डॉक्टर होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन पे काम किया जाता है, तो ओबेसिटी के लिए भी क्या सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है? बिल्कुल, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं सिर्फ वजन जरा कम नहीं होता है या कुछ भी कारण होते हैं तो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत स्ट्रेस लेने लग जाते हैं. तो उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि हम ये सोचने लगते हैं अब मेरा क्या होगा, और धीरे धीरे करते या तो कुछ लोग ज्यादा खाने लग जाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो धीरे धीरे वो किसी ना किसी डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है और वो वेट गेन करने लग जाते हैं. मैंने ये कहीं पे पढ़ा भी था कि स्ट्रेस की वजह से सबसे ज्यादा मोटापा. एग्जैक्टली, आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि लोग कई बार बहुत टेंशन में होते तो बहुत ज्यादा खाते हैं जी. मतलब जहां एक रोटी तो उन्हें ध्यान ही नहीं होता, वो इतने डिप्रेशन में होते हैं कि दो चार रोटी खाने लग जाते हैं. इसका एक और कारण है इनसिक्योरिटीज. जैसे कि हमने अक्सर देखा है कि सपोज करो हमें आगे के लिए प्रिपेयर करना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, ये तो हम लोग एक सिक्योरिटी बैलेंस बनाने लग जाते हैं. ठीक है ना, हम अभी ये जोड़ के रख लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, तो सब क्योंकि हम इतने इनसिक्योर्ड होते हैं फ्यूचर को लेकर. तो ऐसी ही इनसिक्योरिटीज जब बॉडी में डेवलप होने लग जाती है मेंटली, तो भी वेट गेन होने लग जाता है जी. ये भी एक कारण जी. डॉक्टर खराब मेटाबॉलिज्म की वजह से भी वेट गेन होता है, बहुत ज्यादा होता है. तो क्या होम्योपैथी में किस तरह के प्रोसेस है, कौन सी दवाइयां दी जाती है मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए? देखिए खराब मेटाबॉलिज्म जो है वो बीमारियों के कारण जो आता है. तो हमें जैसे कि हमने देखा थायराइड है, पीसीओडी है, या अनेकों प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम धीरे धीरे खराब होने लगता है, बिगड़ने लग जाता है जी. तो होम्योपैथी का जो मकसद होता है वो ये होता है कि धीरे धीरे हम इन कारणों पे काम करें जी. कि थायराइड जो है या पीसीओडी क्यों हुआ, सबसे पहले उन कारणों से लड़ें. जब उन कारणों से हम लड़ते हैं, पेशेंट की पूरी डिटेल हिस्ट्री लेकर उनसे बात करके जब पता लगता है कि ये कारण है इन बीमारियों के पीछे, तो उनको धीरे धीरे दवाइयों के द्वारा हटाया जाता है. जो पेशेंट के सिम्टम्स आते हैं उसके आधार पर जो है होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी जाती है. फिर धीरे धीरे जब डिजीज की तरफ हम बढ़ते हैं तो मेटाबॉलिक सिस्टम रिपेयर होता है और फिर जो होता है वेट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है जी. क्या होता है कि मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत या तो धीमा पड़ जाए तो वेट गेन हो जाता है जी. अगर तेज हो जाए तो धीरे धीरे वेट लूज करने लग जाता है पेशेंट. तो उसको नॉर्मल की तरफ हमें लाना होगा ताकि आपकी बॉडी नॉर्मल सुचारू रूप से काम कर सके जी. और डॉक्टर जैसे भी आपने बताया था कि थायराइड की वजह से भी मोटापा होता है, तो थायराइड अगर सही टाइम पे डायग्नोज नहीं हुए तो उसके बाद किस तरह के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? थायराइड का तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है कि सबसे बड़ी बात है थायराइड से मोटापा आता है, और एक बहुत ही विशेष साइकिल है कि मोटापा थायराइड को और बढ़ाता है. तो धीरे धीरे करते क्या होता है कि पहले आपकी 50 mg की टैबलेट, फिर 100, फिर 150, और उसके बावजूद थायराइड कंट्रोल में नहीं आता, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने लगती है, बहुत जल्दी थकान होने लगती है, डिप्रेशन तक भी होने लगता है. तो इससे बहुत सारी और भी, जैसे सुबह उठते हैं तो पैरों में बड़ा दर्द रहता है, आप थोड़ा भी नहीं चल पाते हैं, कई बार भूख बहुत ज्यादा लगती है, इवन हमने अभी खाया है और लगता है कि हमारा तो पेट ही नहीं भरा, फिर थोड़ा और खा लो, एपेटाइट बढ़ जाती है बहुत ज्यादा. तो इसके चलते एक दूसरे को ये बढ़ाते रहते हैं, इसकी वजह से मोटापा भी जल्दी बढ़ जाता है बल्कि. तो इसे तो टाइम से क्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. डॉक्टर एक चीज और जानना चाहेंगे कि जब प्रेगनेंसी के बाद जो मोटापा आता है, ज्यादातर लेडीज में ये चीज रहती है कि उसको किस तरह से कम किया जाए, तो क्या सही तरीका होना चाहिए उसे कम करने? देखिए सबसे पहले बात हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है जी. कई बार क्या होता है कि किसी जो हमारी बॉडी होती है, एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि उसे एक बच्चे को जन्म देना होता है. तो उस समय क्या होता है कि बॉडी में उस समय तो चेंजेस आ गए, लेकिन बाद के चेंजेस के लिए लोग तैयार नहीं होते, लेडीज खासतौर से तैयार नहीं होते. वो चाहते हैं कि अब्रप्ट सब कुछ हो, अचानक से चाहते हैं जल्दी से जल्दी से हो. लेकिन हमारा बॉडी बहुत ही ब्यूटीफुली बना हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हम खाना पीना दिया जाता है तो वो हार्मोन्स धीरे धीरे ही बदलाव किए जा सकते हैं.
तो लोग क्रैश डाइटिंग करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा वो करने लग जाते हैं, जबकि वो सब गलत है। ये सब 9 महीने के पीरियड में जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो धीरे धीरे बॉडी इतनी अच्छी बनी हुई है कि खुद से पहले वेट लॉस करवाती है, ठीक है ना। धीरे धीरे आपका बॉडी साइज में, जितना आप ब्रेस्ट फीड करते हैं उतना ही यूट्रस अपने शेप में आने लगता है, तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन जैसे हमने सिजेरियन डिलीवरीज वगैरह देखी हैं या फोर्सेप्स डिलीवरी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमने बॉडी के सिस्टम को फॉलो नहीं किया। हमने क्या हुआ, जो बॉडी जितना पेन से हमने प्रेशर लगाया लेडी ने, तो उसमें बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट रहती है, बच्चा बाहर निकल जाता है। उसके बाद धीरे धीरे बॉडी रिलैक्स करने आती है जब ब्रेस्ट फीड करते हैं। और सिजेरियन में हमने सिर्फ काट के और बच्चे को सीधा निकाल लिया, बॉडी ने तो कुछ काम नहीं किया। उन लोगों को वेट बहुत ज्यादा गेन होता है क्योंकि वहां पे बॉडी समझ नहीं पाता है कि हॉर्मोन्स का अब क्या होगा। तो ऐसे लेडीज को क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे अपने ब्रेस्ट फीड करवाना ही चाहिए, बहुत हेल्प करता है। और साथ में अपना वॉक, अपनी डाइट, इन सब चीजों पे खास तौर से ध्यान दें तो उनका वेट नहीं बढ़ेगा और मैनेज भी होता चला जाएगा। डॉक्टर, अगर बात करें कि किस टाइम के बाद उनको स्टार्ट करना चाहिए नॉर्मल जो एक्सरसाइजेस होती हैं, एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद में, सिजेरियन जो करते हैं उनको 6 महीने बाद ही करनी चाहिए, उससे पहले नहीं। और डाइट में किस तरह का कंट्रोल, डाइट में जैसे कंट्रोल ऐसा है कि शुरुआत में हमारे जो यहाँ संस्कृति ऐसी बनी हुई है कि बड़ा घी और बहुत सारी चीजें खिलाई जाती हैं, उनका भी मकसद यही होता है कि वो यूट्रस को धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करें तो बहुत अच्छा होता है। तो धीरे धीरे जब वो ब्रेस्ट फीड करते हैं जैसे मैंने कहा, तो काफी हद तक तो उसी से वेट लॉस हो जाता है। बाकी वो अपना फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, अपना दूध दही अच्छे से लें क्योंकि पहली बात तो उन्हें बच्चे को फीड करना है। Exactly. तो इनिशियली तो उनकी डाइट में अभी ज्यादा कंट्रोल नहीं करा जाए, बट हरी सब्जियां और ये सब ज्यादा से ज्यादा लें जी। वो सब चीजें उन्हें खासतौर से बहुत ज्यादा डाइटिंग आपके हिसाब से नहीं करनी चाहिए, नुकसान कर सकता है। डॉक्टर, लोग आजकल क्रैश डाइट बहुत करते हैं, तो किस तरह का हार्म बॉडी को उससे रहता है, क्या सही तरीका है डाइटिंग का? देखिए, सबसे पहली बात है, डाइटिंग एक अननेचुरल प्रोसेस है जो आपकी आपको कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर चीजों के लिए बनी हुई होती है कि इतना हमें मिनरल्स, इतना प्रोटीन्स, इतना कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। तो सबसे बड़ी बात है कि जितना हमारा वर्कआउट होता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसके हिसाब से पहले हमारी डाइट प्लान होनी चाहिए। आजकल हम लोग जो मोटापा बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं रह गई है, तो इस वजह से वजन बढ़ रहा है। तो हमें लाइफस्टाइल को अपना इंप्रूव करना चाहिए, फिर हमें अपने डाइट पे प्लान करना चाहिए कि हमने नॉर्मल रूटीन फूड जो खा रहे हैं सिर्फ उसे में हमें करेक्शंस करने चाहिए। हैवी स्वीट्स फूड, हैवी डाइट स्वीट्स हैं, ऑयली फ्राइड फूड, फास्ट फूड, इनको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज जो फास्ट फूड होते हैं उसमें आप थोड़े से में भी वो आपको बहुत जल्दी आप ले लेते हैं और बहुत ज्यादा वो आपको एनर्जी दे देता है, तो आपको लगता है कि बहुत हो गया है जी। लेकिन वो नुकसान बॉडी के लिए उतना ही ज्यादा होता है। धन्यवाद डॉक्टर आपका स्टूडियो में आने के लिए। डॉक टॉक में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात और बात करेंगे किसी और हेल्थ इश्यू पर और मिलवाएंगे आपको उनके स्पेशलिस्ट से। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। नमस्कार।